सो आज की वीडियो मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ मेंस फेस वॉश का। तुम देख सकते हो फेयर एंड लवली का ये फेस वॉश है, तो इसी का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो तुम देख सकते हो ये है फेयर एंड लवली का मेंस फेस वॉश। तो मैंने काफ़ी छोटी पैकिंग ली इसकी, 35 रुपीज़ की है ये। तो मैंने इसका रिजल्ट देखना था और इसका रिव्यू करना था, तो मैंने इसको 1 वीक यूज़ किया, तो मैंने इतनी छोटी पैकिंग ली। तो इस मंथ मैंने अलग अलग फेस वॉश यूज़ करके देखे हैं, तो तुम देख सकते हो मेरे एक पिंपल भी हो रहा है यहाँ पे, तुम देख सकते हो। तो मैंने काफ़ी फेस वॉश बदले थे उसके कारण, बिकॉज मुझे रिव्यू करना था अदर फेस वॉश का। तो मैंने पहले भी वीडियोस कर दी, तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ कि ये फेस वॉश कैसा है। सो तुम देख सकते हो ये इस वे से है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंट फेयरनेस और रैपिड एक्शन। तो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी स्किन पे ठंडा काफ़ी लगेगा, मतलब जब भी आप इसको यूज़ करोगे, बट एक्नोफाइट जितना ठंडा नहीं लगेगा। वो मैंने वीडियो उसकी भी की थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता था, बट ये उतना ठंडा नहीं लगता। अगर इसकी बड़ी पैकिंग में कुछ ज़्यादा लगता हो तो वो मुझे पता नहीं, बट इसमें इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगता, बट कूल काफ़ी लगता है जब भी आप इसको अपने फेस पर लगाओगे। तो इसमें भी स्मॉल पार्टिकल्स है जिसके कारण शायद कूल दिखता है आपका फेस, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है जब भी आप इसको लगा के वॉश करोगे। और इस पे कोई भी केमिकल्स नहीं बताए गए, ये फेस वॉश तुम देख सकते हो इसके बैग में कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं बताए गए। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो कुछ भी नहीं बताया गया, यहाँ भी कुछ नहीं बताया गया, आगे भी कुछ नहीं बताया गया। बस सिंपल यही है कि फेयरनेस देगा ये आपके फेस को, तो फेयरनेस तो करेगा ये आपके फेस को, बट अगर आपके काफ़ी पिंपल्स है तब आप इसको यूज़ मत करना। ऐसा नहीं है इससे पिंपल्स चले जाएंगे, आपका फेस फेयर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन दिखेगी आपकी स्किन, बट ऐसा नहीं है इससे पिंपल्स चले जाएंगे। अगर आपके काफ़ी पहले पिंपल्स होते थे तो आप फेस वॉश चेंज करके इस पे आना चाहते हो, कोई भी अच्छा फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा मत करना कभी भी, इस फेस वॉश पे आओ। अगर हाँ कोई न्यू फेस वॉश लेना चाहता है तो ये 35 रुपीज़ वाला एक बार यूज़ करके देख सकता है। तो ऐसा नहीं है काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो इसके, मतलब जब आप इसको यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है आपकी, तो आपका जो भी ऑयल है वो चला जाएगा और ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होने लग जाएगा। जब भी ऑयल जाएगा ये सारे ऑयल्स को, मतलब आपके जो भी ऑयल आता है फेस पे उसको सारे को सुखा देती है, तो देन आपकी स्किन ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाती है ऑयल का। तो ऐसा ही है, तो इससे एक दो पिंपल्स देखने को आपको मिल सकते हैं अगर कभी भी आप इसको यूज़ करोगे। तो ऐसा नहीं है आपके पिंपल्स चले जाएंगे अगर आप इसको यूज़ करोगे, तो ये नॉर्मली आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन रखेगा, मतलब आपकी स्किन काफ़ी चमकेगी। तो ये रियलिटी है इस फेस वॉश की सिर्फ। तो इस पर दिया भी हुआ है ये स्पेशली फेयर करने के लिए स्किन को, तो आपकी स्किन इससे फेयर हो जाएगी अगर आप इसको यूज़ करोगे, तो फेयरनेस मिलेगी आपको जो फेयर एंड लवली कहता है। तो मेरे ख्याल से एक फेयरनेस के लिए ये फेस वॉश लेना मुझे नहीं लगता कि सही है। अगर हाँ तुम लेना चाहते हो, तुम्हारा बजट ये है तो तुम ले सकते हो। तुम्हें अपने फेस को क्लियर रखना चाहिए, जो भी पिंपल्स वगैरह हो या कोई भी डेड स्किन वगैरह हो उसको रिमूव करे ऐसा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। तो अगर तुम ये लेना चाहते हो तो अच्छा फेस वॉश है, वैसे तो आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन दिखाएगा, साफ क्लीन रखेगा, जो भी डर्ट वगैरह उसको भी निकाल देगा, बट ऐसा नहीं है पिंपल्स तुम्हारे चले जाएंगे। कुछ लोग पिंपल्स के लिए लेते हैं, तो पिंपल्स के लिए ये फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं है। फेयर एंड लवली के काफ़ी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो तुम देख लेना कोई डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट ना ले आओ तुम। तो ये ओरिजिनल है जो मैं लेके आया था, तो तुम भी ओरिजिनल ही देख लेना। जो भी तुम लाओ मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा फेयर एंड लवली की जो क्रीम्स आती हैं वो भी डुप्लीकेट आने लग गई, तो तुम इसको देख लेना अगर तुम लाओ जब भी, तो नेचुरल हो फेस वॉश। सो अब मैं तुम्हें इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ, बिकॉज मैं हर फेस वॉश यूज़ करके दिखाता हूँ, तो इसको भी यूज़ करके दिखाऊंगा। तुम देख सकते हो एक पिंपल हो गया मेरे यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने फेस वॉश बदले, बिकॉज मुझे रिव्यूज़ करने थे काफ़ी फेस वॉश के, तो मैंने उनको यूज़ कर करके थोड़ा थोड़ा रख दिया, अभी भी पड़े हैं वो। तो इसको भी मैंने यूज़ किया, 1 वीक यूज़ किया इसको, तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म भी हो गया ये। तो मैं इसको अगेन यूज़ करके तुम्हें दिखा देता हूँ। सो मैं अपने फेस को वॉश करके आता हूँ पानी से, देन इसको यूज़ करते हैं। सो मैं अपने फेस को गीला कराया, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। सो तुम देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई सा हो रहा है, तो मैं इसको पानी लगा के और वॉश करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके क्या रिजल्ट हैं। सो मैं अपना फेस वॉश कराया, तुम देख सकते हो, तो मैं इसको जल्दी से साफ कर लेता हूँ। सो
तुम देख सकते हो मेरी स्किन इंस्टेंट ब्राइटनिंग लगने लग गई और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है मेरे को फेस पे। तो यही है इसका रिज़ल्ट, तुम देख सकते हो। तुम्हें यूज़ करना है तो तुम कर सकते हो इसको यूज़। सो मेरे एक पिंपल भी हो रहा है इसी के कारण, पता नहीं किसके कारण हुए। सो ये तो मैं सही कर लूँगा। बट तुम जो भी फेस वॉश लो पहले उसको चेक कर लिया करो, छोटी पैकिंग ले लो पहले उसकी और फिर उसको यूज़ करके देखो, अगर तुम्हारी स्किन पे वो सेट बैठता है तब भी तुम उसको यूज़ करना। सो मैं तुम्हें काफ़ी सारे फेस वॉश लाइव यूज़ करके दिखाता हूँ, बट तुम तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो तुम्हें पता लग ही गया ये फेस वॉश के क्या रिजल्ट है। मतलब अगर तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इससे पिंपल्स चले जाएंगे, ये मतलब तुम्हारी स्किन नॉर्मल रहती है तब तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी मेरी स्किन देख सकते हो बिल्कुल ड्राई कर दी इसने, जो भी ऑयल वगैरह वो चला गया मेरी स्किन से। तो अभी देखना थोड़ी देर बाद काफ़ी ज़्यादा ऑयल आने लग जाएगा। तो यही होता है इन फेस वॉश का, तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल आने लग जाता है। तो जिसकी स्किन नॉर्मल रहती है उनके लिए ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो ये मेरी इंस्टा आईडी, अगर तुम्हें कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो तुम मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो सीधी तुम अपनी प्रॉब्लम लिख देना यहाँ पे, हाय हेलो मत करना।